तो बच्चों, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल आया 1911 में, ठीक है, और उस काफी हद तक न्यूक्लियस तो डिस्कवर होगी, लेकिन ये वो बताने में जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को बताने में नाकाम रहे, जैसे हमने अभी बताया था आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में वो मौन थे, और ये बताने में भी नाकाम रहे कि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या होंगे, किस ऑर्बिट में कितने होंगे, ऑर्बिट कितने पॉसिबल हैं। तो इस वजह से उनका जो मॉडल है वो फेल कर गया था, और फिर बोहर मॉडल आया। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया, हालांकि आप ये भी लिख सको बोहर एटॉमिक मॉडल, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था अपना मॉडल, इस वजह से हम इसे लिखते हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। और नील्स बोहर ने जो अपना मॉडल दिया वो 1913 में दिया, ठीक है बच्चों। और इनका जो मॉडल पूरी तरीके से बेस्ड था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे था। बहुत सारी चीजें जो हम इसके पोस्टुलेट में अभी आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट सेल्स में ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, ठीक है ना, वो एनर्जी रिलीज करते ना वो एनर्जी गेन करते। उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एच अपॉन 2 पाई, यानी एन एच अपॉन 2 पाई, जहां एन क्या है, सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, वो क्या सी होगी, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अगर उसे आप एनर्जी दोगे तो वो एक्साइटेड होकर दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा और फिर एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो टोटल क्या होगी, बैलेंस एनर्जी होगी। ये सारी पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो बच्चों, इनका फर्स्ट पोस्टुलेट है एटम हैज ए सेंटर कोल्ड न्यूक्लियस, जो रदरफोर्ड ने भी बताया था, लेकिन वो इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर पाथ, जिसे क्या कहा जा, ऑर्बिट कहा जा। तो इन्होंने कहा कि ये बात, हालांकि रदरफोर्ड ने भी बता दी थी कि न्यूक्लियस होती है किसी भी एटम के अंदर, वो सेंटर में होगी, यानी जो सेंटर है उसे क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, इस तरीके से रिवॉल्व करते रहे, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, रिवॉल्व। तो इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसमें इन्होंने बताया एटम हैज ए सेंटर कोल्ड न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। यानी कि कोई भी जो एटम है उसके पास एक न्यूक्लियस है जिसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में क्या करते रहे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या मूव करते रहे, ठीक है बच्चों, जिसे क्या कहा जा, ऑर्बिट कहा जा। तो ये इसका क्या है बच्चों, फर्स्ट पोस्टुलेट। देखो बच्चों, सेकंड जो इनका पोस्टुलेट है इसमें इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो फिक्स्ड में करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये नहीं है कि जैसे उन्होंने तो बताया नहीं था रदरफोर्ड ने कि कितने ऑर्बिट्स हैं, कहाँ है, क्या उनकी पोजीशन है, यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स या पाथ में करेंगे, ठीक है। इनके नंबर्स फिक्स हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, और फिक्स उनकी क्या है, वेलोसिटी है। ये नहीं, अगर उनकी अलग अलग वेलोसिटी होगी तो उनके आपस में कोलिजन यानी टकराने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी ऑर्बिट विशेष या सेल विशेष में अगर मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन तो उनकी वेलोसिटी भी कैसी होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। और ये जो दीज ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल, इन्हें एनर्जी लेवल भी कह सकें और स्टेशनरी स्टेट भी कहा जा सके, ठीक है बच्चों, क्या कहा जा सके, इन्हें एनर्जी लेवल्स या फिर स्टेशनरी स्टेट। और हमें, हम इन्हें कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं के एलिमेंट से, जो फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है हम इन्हें कहीं से रिप्रेजेंट करेंगे, सभी बच्चे देख लें। ये N1, N इज इक्वल टू, या N3, N4। N क्या है यहाँ पे, N है सेल, सेल यानी कक्ष, ठीक है बच्चों, ऑर्बिट भी आप इसे कह सको। तो इसे जो कहा जाएगा, इसे जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, जो फर्स्ट है सेल, उस फर्स्ट सेल को क्या कहा जाएगा, K L M N, यानी जो फर्स्ट है उसे के, सेकंड एल एम एन ओ। इसी तरीके से जो सेल बढ़ती जाएंगी, यानी जो सेल्स हैं उन्हें हम कैसे,
रिप्रेजेंट करें स्मॉल एन से, ठीक है, और इन्हें कैपिटल लेटर्स के एलिमेंट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे मूव कर रहे उनकी एनर्जी कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। ये नहीं कि कोई भी एनर्जी हो, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। हालांकि हम थोड़ा सा अभी और इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये ऑर्बिट्स होती हैं इनकी एनर्जी फिक्स होती है, ना कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल से बताऊंगे किस तरीके से हैं चीजें। तो सभी बच्चे नोट कर लें, एन क्या है, सेल, ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और के एलिमेंट से भी ना क्या कर सके हम रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये सेल कैसी होंगी, डेफिनेट ये सेल कभी भी चेंज नहीं होंगे, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो भी डेफिनेट होंगे। इन्होंने डेफिनेट बताया इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, एक फॉर्मूला दिया 2n2, यानी जो फर्स्ट सेल है अगर आप उसमें एन बराबर 1 रखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, सेकेंड में कितने होंगे, 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32, ठीक है। इन्होंने सेल्स के लिए एक फॉर्मूला दिया 2n2, एन क्या है नंबर ऑफ सेल, अगर आप फर्स्ट सेल में देखो तो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कितने होंगे, 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। इसी प्रकार से रिवर्स ऑर्डर शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमें मिलते चले जाएंगे तो हम इस फॉर्मूले से किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। सभी बच्चे नोट कर लें। तो बच्चों देखो इसका थर्ड पोस्टुलेट इनका बोस मॉडल का, जैसे हमने अभी बताया कि एनर्जी चेंज नहीं होती, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट ऑर्बिट डज नॉट चेंज ऑफ इट्स ऑन विद टाइम, मतलब किसी भी ऑर्बिट की आप जो एटम ले रहे कोई भी जो इसमें सेल है उस सेल की जो एनर्जी है वो डेफिनेट है और वो टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होने की, बिल्कुल नहीं, वो डेफिनेट है तो डेफिनेट ही रहेगी। जैसे हाइड्रोजन के लिए इन्होंने क्योंकि अपना मॉडल दिया था तो इन्होंने क्या दिया, हाइड्रोजन के लिए जो सेल्स हैं, जैसे हमने कहा था ये n इजिकल टू 1 है, n इजिकल टू 2 है, n इजिकल टू 3 है, n इजिकल टू 4 है, तो आप अगर एनर्जी देखें, आप अगर एनर्जी देखें, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया ए एन इजिकल टू माइनस 13 12 अपॉन एन स्क्वायर। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए भी हम आपको अभी इसका फॉर्मूला बताऊंगे। तो अभी आप यहां देखो कि जो माइनस 13 12 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल इसकी जो आपको एनर्जी नजर आ रही, ठीक है बच्चों, वो कहीं की है, वो फर्स्ट सेल की है। अगर मैं इसमें एन इजिकल टू क्या रख दू, 1 रख दू, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो ही रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, ठीक है बच्चों, सेम एनर्जी रह जाएगी, माइनस 13 12 किलो जूल पर मोल। ये माइनस क्यों है इसके बारे में भी हम आपको अभी बताऊंगे कि एनर्जी नेगेटिव साइन में क्यों होती है इसकी। तो आप यहां देखो अब जो सेकेंड ऑर्बिट है एन इजिकल टू 2 के लिए, यानी हमने इसमें क्या रखा, एन इजिकल टू 1 रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखा, एन इजिकल टू 2 रखा, यहाँ पे n इजिकल टू 3 रखा और n इजिकल टू 4। तो यहाँ देखो सभी जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी डेफिनेट है, फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी हमेशा 13 12 रहेगी, चाहे इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, सबकी जो एनर्जी लेवल है वो सेम है। ये जो एनर्जी है ये किसकी एनर्जी है, ये ऑर्बिट की एनर्जी है, सेल की एनर्जी है। जैसे आप अपनी क्लास में आते हो, ये जैसे 11th है, ये 12th है, ठीक है, तो जो बच्चा पास होगा होगा ये 10th है, तो इनका जो एनर्जी लेवल है, पासिंग मार्क्स है या फिर जो इनकी क्वालिफिकेशन है इनके लिए, वो निश्चित कर रखी, वो स्टूडेंट को गेन करनी होगी इतनी जब इनमें जाएगा, यानी 10th का एनर्जी लेवल कितना, 11th का और 12th का, वो निश्चित है, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने का। आई बात समझ में, जो स्टूडेंट 10th 11th और 12th में है वो उसका एनर्जी, जैसे 12th में आते हो भाई, तुम 12th में आ गए, यानी कि आपने इतनी एनर्जी गेन कर ली, ठीक है, आप 10th में हो तो एनर्जी लेवल क्या है, लो है, ठीक। इसी प्रकार से जो जितनी भी आपको इस सेल्स नजर आ रही, ऑर्बिट्स नजर आ रही, इनका जो एनर्जी लेवल है वो निश्चित है, वो कभी चेंज नहीं होने का, फर्स्ट के लिए इतना, सेकंड के लिए इतना, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, इसी तरीके से आप डिवाइड करके एन स्क्वायर, जैसे हमने बताया क्या होता है, ये अभी लिखा भी था नीचे, ई एन बराबर माइनस 13 12 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ये तो है हाइड्रोजन के लिए, ठीक, लेकिन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अगर आप निकालने लगो, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल
इसका मतलब क्या है, जैसे हीलियम आ जा प्लस, लिथियम हो गया 2+, तो आप उनका भी निकाल सको या उनका जो एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर। तो ये सभी बच्चे नोट कर लें इस चीज को। तो बच्चों जैसे इन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करी हाइड्रोजन के लिए, इसी तरीके से इन्होंने रेडियस भी स्टेशनरी स्टेट कह लो या ना फिक्स्ड ऑर्बिट कह लो हाइड्रोजन के लिए। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है यानी एन की वैल्यू जब क्या है, 1 है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है जब 1, यानी जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है यानी पहला जो ऑर्बिट है उसके लिए ए जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 52.9 PM, ठीक है। यानी ये निश्चित है। रेडियस कितनी आ जाएगी, तो फिर इसके लिए तो रेडियस होगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 52.9 PM, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है और ये डेफिनेट है, ये कभी चेंज नहीं होने की। इसी तरीके से आप क्या कर सको, सेकंड की निकाल लोगे। सेकंड की कैसे निकाल लोगे, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी R2 = 52.9 सेकंड का, यानी 4 की मल्टीप्लाई करके। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, ठीक है। 1 PM में यानी 1 PM में बच्चों कितने मीटर होते हैं, 10^-12 मीटर होते हैं, ये याद रखियो, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर ले। ये था हाइड्रोजन के लिए। जैसे हम बार बार बता रहे कि रेडियस कैसी है, इनकी रेडियस डेफिनेट है, ये जो रेडियस है ये कैसी है, डेफिनेट है। जो पहली ऑर्बिट है हाइड्रोजन के लिए उसकी रेडियस है 52.9 PM। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से आप सबकी निकालते जा सको, ठीक है। 52.9 × 9, ठीक है। तो इस तरीके से सब आप रेडियस कैलकुलेट कर सको। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया था, ये याद रखियो। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सेल, कई बार हम बता चुके आपको एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी सेल है ये, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर ले। इन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी जैसे हम बार बार आपको बता रहे, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स अगर मौजूद हैं, जैसे लिथियम आयन है या फिर पार्टिकल्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा रेडियस के, RN = A₀ या A₀ n² / Z, ठीक है। जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ठीक है। पार्टिकल्स जैसे हम बार बार बता रहे, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2+ चार्ज। तो सिर्फ इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही अपना मॉडल दिया था। सभी बच्चे नोट कर लें इसे। तो बच्चों जैसे आपने एनर्जी देखी, ठीक है, उसी तरीके से वेलोसिटी है, रेडियस वगैरह भी हमने बताई। ये वेलोसिटी क्या है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप पता कर सको। तो हम अगर N = 1 और हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू भी कितने रखे, 1 रखे और ये भी 1 है, तो इसकी जो वेलोसिटी आई V0 वो है 2.188 × 10⁸ cm/s। और ये जो वेलोसिटी है ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। आप किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है बच्चों, N = 2 रख के, N = 3 रख के, 4 रख के, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सको। और जो जेड है, यहाँ पे जेड क्या है, कई बार बता लिया, ये एटोमिक नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, हमने एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी कैलकुलेट करने की फॉर्मूले आपको जो दिए गए थे बोस मॉडल में वो आपको बताए, और सभी बच्चे ने नोट कर ले। तो बच्चों नेक्स्ट पोस्टुलेट है, फोर्थ वन, ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ऑर्बिट परमिटेड है इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ H/2π। एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक कॉन्स्टेंट, अभी हम बता देंगे। एच क्या है बच्चों, यहाँ प्लैंक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो 6.626 जूल सेकंड है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा
केमिस्ट्री में सिर्फ इतना बताया, जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे जब 12th में फिजिक्स में भी है ही, वहां पे डेरिवेशन भी है सभी चीजों का, ठीक है बच्चों। तो जो एंगुलर मोमेंटम है आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे MVR, ठीक है, साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 90 डिग्री, तो MVR ही आ जाएगा। M M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है, अगर हम ये कोई ऑर्बिट ले रहे इस तरीके से, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास तो कितना है, V है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, V है, ठीक है। और रेडियस क्या है, ये रेडियस है इसमें R, ठीक है। तो जो M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R क्या है, रेडियस है, इस तरीके से। N क्या है, नंबर ऑफ सेल, हम बहुत बार बता चुके आपको, N क्या है, सेल है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम दिया और उन्होंने क्या कहा कि ये क्या होगा, मल्टीपल होगा NH/2π के, N की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सके, तो ये होल नंबर या इंटीजर होगा, ठीक है, कभी भी ये नहीं 2.5, 3.5 इस तरीके से नहीं हो सकता। दो दो फर्स्ट सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम है जैसे H/2π, सेकंड के लिए क्या होगा 2H/2π यानी H/π, ठीक है, थर्ड वन के लिए क्या होगा 3H/2π। तो इस तरीके से आप आगे चल सकते हो। तो सभी फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड सेल के लिए, थर्ड सेल के लिए, तो इस तरीके से सभी का आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी किसने दिया, क्वांटम थ्योरी की हेल्प से बोर ने दिया, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है कि द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड रिमूव, ठीक है, अगर आप एनर्जी ऐड करोगे तो ये जम्प्स कर जाएगा लोअर सेल टू हाइयर सेल, ठीक है, अगर ये एमिट कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ये हाइयर टू लोअर सेल आ जाएगा। तो जो फिफ्थ इसका पोस्टुलेट है, जैसे हमने आपको इसके पहले पोस्टुलेट भी बताया कि कोई अगर एनर्जी लेवल है इसके, ठीक है, इस तरीके से अगर ये सेल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां रिवोल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है और आप इसे यहां भेजना चाहते हो फोर्थ सेल के अंदर, तो ये तो अपनी जो उसकी ऑर्बिट की एनर्जी है उससे ही क्या करता रहेगा, जो फिक्स्ड एनर्जी है उससे ही रिवोल्व करता रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता। अगर आप इसे एनर्जी दोगे तो ये एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट, ठीक, और जहां ये एनर्जी लेके जाएगा ये एक्साइटेड स्टेट के वजह से, ठीक है, तो ये जंप कर जाएगा एनर्जी लेके, एनर्जी क्या करेगा, एब्जोर्ब करेगा, और एब्जोर्ब करके एनर्जी क्या करेगा, जंप कर जाएगा, और जब ये यहां बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है वापस लौट के आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है बच्चों। ये तो फिफ्थ पोस्टुलेट था, इन्होंने कहा था मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है, जो एनर्जी चेंज होगा वो E2 - E1, ठीक है, अगर हम इसे क्या मान के चले, E1 ले ले और इसे E2 ले ले, तो ये क्या है, जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो हमेशा कितना होगा, H𝛎 होगा, ठीक है, ये सेम होगा, जितनी एनर्जी वो एब्जोर्ब करेगा उतनी एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे आप ही है, गेंद वहीं पे पड़ी घूमती रहेगी, वो ग्राउंड स्टेट है, जब तक आप उसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराओ वो ऊपर जंप नहीं करने की, वो कुछ बहुत थोड़े टाइम तक ऊपर रहती है और फिर वो आप वापस आ जाए, नहीं आ जाती, तो ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी रिलीज करके वापस आ जा। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो नेगेटिव क्यों हो, असल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी है, इंफिनिटी पे जीरो है। यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा तो उसकी एनर्जी कितनी है बच्चों, जीरो है, शून्य है, ठीक है, और क्योंकि इस पर कोई अट्रैक्शन और फोर्स नहीं है, कोई इस पर अट्रैक्शन नहीं लग रहा फोर्स का किसी भी प्रकार की, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है तो इसकी जीरो से क्या होगी, अब एनर्जी
रिलीज होगी, ठीक है, कम होनी शुरू हो जाएगी। और कोई भी सबस्टांस जब एनर्जी रिलीज करता है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी कैसी होगी उसकी, जैसे आपको बताया गया थर्मोडायनेमिक्स में, अगर कोई भी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है तो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो जैसे जैसे ये इसके पास आओगे इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, नेगेटिव होती चली जाएगी। तो जो सबसे पास वाली सेल होगी इसमें, देखो कि अब किसका अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स लग रहा नहीं, जो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा, तो इस वजह से इसकी एनर्जी क्या है, रिलीज होती चली जाएगी, ठीक है बच्चों, इसके न्यूक्लियस फोर्स की वजह से। और जो सबसे पहली सेल रहेगी उसकी, जैसे हमने अभी बताई थी -13, ठीक है, 12 किलो जूल पर मोल जो उसकी एनर्जी बताई थी, तो यही रीजन है इसका जो नेगेटिव साइन हम बार बार कह रहे कि क्यों इसकी नेगेटिव होती है एनर्जी, तो नेगेटिव होने का रीजन यही है, ठीक है बच्चों, कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी पर कितनी एनर्जी के, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जीरो है, लेकिन जब इसे हम सेल के अंदर ले जा रहे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो क्या करेगा फिर ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, जो कि घटते 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 सबसे कम हो जाएगी, जो सबसे पास वाला ऑर्बिट है -13 12 है, और नेक्स्ट की क्या है -13 28। तो फर्स्ट की आप देखो, सेकंड की देखो, ये -13 12 है, तो ये कम है या ये कम है, ये कम है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट सेल है n=1 के लिए और ये n=2 के लिए, तो जैसे जैसे हम इसका अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, इंक्रीज, और इंक्रीज होते होते फिर कहीं पर पहुंच जाएगा, वहीं जीरो पहुंच जाएगा, नेगेटिव से कहीं की ओर बढ़ते हैं, जीरो की ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है, जीरो, लेकिन इसकी जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है या घट रही है वो किस वजह से घट रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वजह से, ठीक है बच्चों। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव साइन की होती है। बच्चों आपने बोर मॉडल की स्टडी करी और काफी कुछ आपने सीखा कि किस तरीके से डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट ऑर्बिट होती है, वेलोसिटी डेफिनेट होती है, और यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में आपने पूरी स्टडी करी, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन उसके बावजूद बोर की भी बहुत सारी लिमिटेशन रही, ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन थी आप देख लो। फर्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम, जैसे हमने कहा इसने जो अपना मॉडल दिया था बोर्ड ने वो हाइड्रोजन के लिए दिया था, फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स यानी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन उसे तो पूरी तरीके बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो एटम है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों, तो उन्हें एक्सप्लेन कर बिल्कुल भी नहीं कर पाया उनके लाइन स्पेक्ट्रम को, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दोष है। सेकंड, और एक तरीके से देखा जाए तो जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी भी जो फाइन स्ट्रक्चर होती है उसे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है, सिर्फ ऊपरी तौर पर ही ये एक्सप्लेन कर पाए, फाइन स्पेक्ट्रम इसका भी नहीं दिया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, आप सोच रहे होंगे जीमैन इफेक्ट क्या है, असल में जीमैन इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई सबस्टांस है या ऑब्जेक्ट है वो अगर रेडिएशन करता है और उसे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो बहुत सारी लाइंस में वो स्प्लिट हो जाए, यानी बहुत सारी लाइंस जनरेट करता है, तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है बच्चों, लाइंस स्प्लिट करता है, ठीक है। थर्ड वन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन 3D यानी 3D मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने तो एक तरीके से जो फ्लैट मॉडल था एटम का उसके बारे में ही बताया, ठीक है, लेकिन अभी जब बाद में डिस्कवरी हुई तो पता चला कि जो एटम होता है वो 3D होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम से दुए बोर मॉडल, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और फोर्थ वन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है उनकी शेप के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, उसका रीजन क्या था, कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं एटम उनकी शेप डेफिनेट होती है, और डेफिनेट शेप के बारे में बोहर मॉडल में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है बच्चों, तो इसकी लिमिटेशन थी।